Hey guys, this is Gautam and you are watching Computer Learn with Technology. So in this video, we will learn about history of computer. Now, let's get started. So, history of computer. The first device used for calculation was the mechanical device. जो calculation के लिए पहला device use किया गया था वो mechanical device था. Abacus is called first computer और Abacus को पहला computer कहा जाता है. After this, many people made many devices, but no device had memory. इसके बाद कई सारे लोग आए, जैसे Jones, William, Pascal और भी कई सारे लोग आए थे. तो इन्होंने कई सारे devices बनाए, लेकिन किसी में memory नहीं थी. In the 17th century में चार्ल्स वेविस इन्वेंटेड एन एनालिटिकल एंड डिफरेंस मशीन. इन्होंने एनालिटिकल और डिफरेंस मशीन बनाई. किन्होंने? चार्ल्स वेविस ने. तो इसमें इन्होंने ऐड किया मेमोरी को. लेटर मेमोरी इज़ द बिगेस्ट फीचर ऑफ ऑल कंप्यूटर टुडे. और आज की दुनिया में मेमोरी कंप्यूटर के एक सबसे बड़ा फीचर है. दिस इज़ बाय चार्ल्स वेविस इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर. और इसी वजह से चार्ल्स वेविस को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है. फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज ENIAC. भाई जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो ENIAC है. दिस इज़ वेयर द ईरा ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर स्टार्टेड. तो यहीं से जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का ईरा है, मतलब युग है, वो चालू हो गया था. अब हम एक एक करके सारी इन्वेंशंस को पढ़ेंगे, उनके इन्वेंटर, टाइम और कैरेक्टरिस्टिक, एप्लीकेशन, सारी चीज़ एक एक करके पढ़ेंगे. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अबेकस की. इसका जो इन्वेंटर है वो है चाइना, और जिस टाइम में ये इन्वेंट हुआ था वो है 16th century. कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस है, और एप्लीकेशन में ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशंस के लिए यूज़ किया जाता था. इसके बाद अब बात करते हैं नेफियर्स बोन्स की. नाउ वी विल टॉक अबाउट नेफियर बोन्स. इसके इन्वेंटर हैं जॉन नेफियर. टाइम जिसमें ये इन्वेंट हुआ था वो है 1617. कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये कुछ 3D स्ट्रक्चर का होता है, और ये 0 से 9 तक नंबर्स को कैरी करता है, होल्ड्स करता है. एप्लीकेशन की बात करें तो ये परफॉर्म करता है मल्टीप्लिकेशन, और जो जिस टेक्नोलॉजी पर ये कैलकुलेशन करता है उसे रेबडोलॉजिया बोलते हैं. सो नेक्स्ट इज स्लाइड रूल. इसके इन्वेंटर हैं विलियम ऑर्ट्रेड, और जिस टाइम में ये इन्वेंट हुआ है वो है 1622. कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ऑल्सो नोन एज स्लिप स्टिक, इसे स्लिप स्टिक नाम से भी जानते हैं. एप्लीकेशन की बात करें तो इट वॉज मेनली यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न. ये ज़्यादातर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए यूज़ किया जाता है, और इसका यूज़ लॉगरिथम, रूट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज पास्कलाइन. इसके इन्वेंटर हैं ब्लेस पास्कल, और जिस टाइम में ये इन्वेंट हुआ है वो 1642. कैरेक्टरिस्टिक्स इसका है कि फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन है ये, और एप्लीकेशन इसका है कि ये डिज़ाइन किया गया था रिगार्ड में किसके, प्रेशर ऑफ लिक्विड के. तो उसके बाद बात करते हैं लेबनीज कैलकुलेटिंग मशीन की. इसके इन्वेंटर जो है वो हैं गॉटफ्रिड विलहेल्म लेबनीज, और जिस टाइम में ये इन्वेंट हुआ था वो है 1671. कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसे हम रेकॉर्डिंग मशीन भी बोलते हैं, और एप्लीकेशन में क्या है कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न ये मशीन कर सकती है. इसके बाद बात करते हैं जैकवार्ड्स लूम की. इसके इन्वेंटर हैं जोसेफ जैकवार्ड, और जिस टाइम में इन्होंने इन्वेंट किया था वो है 1801. कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये पहला मैकेनिकल लूम है, और एप्लीकेशन में सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स. इसने जो टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग है उसकी प्रोसेस को आसान कर दिया है. नाउ वी विल टॉक अबाउट डिफरेंस इंजन. इसके जो इन्वेंटर हैं वो हैं चार्ल्स वेविस, जो कि फादर ऑफ कंप्यूटर भी हैं, और जिस टाइम में ये इन्वेंट हुआ है वो है 1822. कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो नेम ड्राइव फ्रॉम द मेथड ऑफ डिवाइडेड डिफरेंसेस.
इसका नाम है वो डिवाइडेड डिफरेंस मेथड से लिया गया है। एप्लीकेशन में इसको डिज़ाइन किया गया है टैबुलेट पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए, और ये बेसिकली अलजेब्रिक फंक्शन को भी कैलकुलेट कर सकता है। नेक्स्ट इज एनालिटिकल इंजन। इसके भी जो इन्वेंटर हैं वो हैं चार्ल्स बेबेज, और जिस टाइम में इन्होंने इन्वेंट किया था वो है 1834 से 71 के बीच में। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था ये, और एप्लीकेशन में ये एक डेसिमल मशीन थी जिसमें किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये साइन और मैग्नीट्यूड का यूज़ करता था। बात करते हैं टैबुलेटिंग मशीन की। इसके इन्वेंटर हैं हरमन हॉलरिथ, और इन्होंने 1880 में इसकी इन्वेंशन की थी। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यूज्ड पंच कार्ड विद अ राउंड होल्स। पंच कार्ड क्या होता है कि ये एक हार्ड पेपर का कलेक्शन होता है जिसमें कोई भी डिजिटल डेटा को हम कंटेन कर सकते हैं। इसमें राउंड होल्स होते हैं, और रीड वन कार्ड एट अ टाइम, एक टाइम पर मतलब एक कार्ड को ही ये पढ़ पाते थे। एप्लीकेशन की बात करें तो फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी ये, और इसको डिज़ाइन किया गया था जनगणना के डेटा के लिए। नेक्स्ट इज मार्क वन। इसके इन्वेंटर हैं हार्वर्ड एकिन, और इन्होंने 1944 में इसका इन्वेंशन किया था। इसमें स्मॉल ग्लासेस के कुछ इंटरलॉकिंग पैनल्स हैं, काउंटर्स हैं, स्विचेस हैं, और कंट्रोल सर्किट्स भी हैं। इसका मेनली जो यूज़ है वो वर्ल्ड वार में वार इफेक्ट के लिए यूज़ किया गया था। नाउ द नेक्स्ट इज ENIAC। इसके इन्वेंटर हैं JP एकार्ट, और दूसरे हैं JW मॉचली। ये 1950 में इन्वेंट हुआ था, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये 20 एक्यूमुलेटर्स का कॉम्बिनेशन है। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, और इसका वीदा फॉरकास्टिंग और कई सारी साइंटिफिक चीज़ों में और कई अदर चीज़ों में ये यूज़ आता था। नेक्स्ट इज EDSAC। इसके इन्वेंटर हैं जॉन वॉन न्यूमन, और इसका जो टाइम पीरियड है जिसमें ये इन्वेंट हुआ था वो है 1946 से लेके 52 के बीच में कहीं ना कहीं ये इन्वेंट हुआ था। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब ये पहला कंप्यूटर है जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड की थी। और एप्लीकेशन की बात करें तो फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम वाज रन ऑन मशीन। इसका मतलब है कि पहला कंप्यूटर प्रोग्राम जो था वो रन किया गया था मशीन के ऊपर। नाउ द नेक्स्ट इज EDBAC। इसको भी इन्वेंट किया था जॉन वॉन न्यूमन ने, और जो इन्वेंशन टाइम है इसका वो है 1950। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें कम से कम 6000 वैक्यूम ट्यूब्स और 12000 डायोड्स लगे हुए हैं, और ये कम से कम 56 किलोवाट पावर कंज्यूम करता है। और एप्लीकेशन की बात करें तो ये एक बाइनरी कंप्यूटर है, और ये कैपेबल है कि किसी भी प्रोग्राम को स्टोर कर सकता, मतलब कि किसी भी प्रोग्राम को ये अपने में स्टोर करा सकता है, इतनी इसकी क्षमता है। नाउ द लास्ट इज UNIVAC। इसके जो इन्वेंटर हैं वो हैं JP एकार्ट, और दूसरे हैं JW मॉचली। इसका जो टाइम पीरियड है जिसमें ये इन्वेंट हुआ था वो है 1951। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ये, और जिसमें इनपुट और आउटपुट लार्ज अमाउंट में थी। इसमें एप्लीकेशन की बात करें तो इसने मैग्नेटिक टेप को एज अ इनपुट और आउटपुट यूज़ किया है।